चतरा जिले में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच हुई भीषण मुठभेड़। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। प्राप्त जानकारी के अनुसार बता दें कि चतरा पुलिस की टीम सीआरपीएफ और जगुआर की टीम के साथ संयुक्त रूप से प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी के विरुद्ध सर्च अभियान चला रही थी और इसी क्रम में नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की भीषण मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल झाड़ का फायदा उठाकर वहां से भाग निकले। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी भी मिली है। वहीं इस मामले को लेकर चतरा के एसपी राकेश रंजन ने बताया कि एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें बताया गया था कि 15 लाख के इनामी नक्सली आक्रमण गंजू और 10 लाख के इनामी नक्सली शशिकांत उर्फ आरिफ का हथियारबंद दस्ता इलाके में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए देखी गई है। प्राप्त सूचना के आधार पर चतरा पुलिस के पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के निर्देश पर चतरा पुलिस सीआरपीएफ के जवान और झारखंड जगुआर के जवानों की एक संयुक्त टीम की गठन की गई और गठित कर इस टीम को नक्सलियों के विरुद्ध सर्च अभियान के लिए भेजा गया। वहीं जब जवान संयुक्त रूप से सर्च अभियान चला रहे थे तभी अनगाड़ा के दल के बीच भैंसमारा जंगल में सुरक्षा बलों को देखते ही नक्सलियों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसके बाद सुरक्षा बलों द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई। वहीं नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को अपने ऊपर भारी पड़ता देख जंगल झाड़ का फायदा उठाते हुए नक्सली वहां से फरार हो गए। हालांकि इसके बाद पुलिस ने कई घातक हथियार भी वहां से बरामद किए हैं। सुरक्षा बलों ने उस क्षेत्र का घेराबंदी कर सर्च अभियान और तेज कर दिया। सर्च अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को कई हथियार भी मिले हैं, जिसमें कि पुलिस से लूटा गया 315 बोर का 303 राइफल, एक अमेरिकन सिंगल शॉट, एक देसी बंदूक, 2 किलो बारूद, 10 पिट्ठू बैग, दवाई, मोबाइल फोन, चार्जर व दैनिक उपयोग के सामान भी पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस नक्सली मुठभेड़ में दस्ते में शामिल एरिया कमांडर को गोली भी लगने की सूचना है, जिसे उसके साथी घायल अवस्था में अपने साथ लेकर वहां से भाग निकले। वहीं नक्सली द्वारा घायल एरिया कमांडर का इलाज करने का प्रयास किया जा रहा है।